हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। उस चैप्टर में हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में बात की थी। उसी के बेस पर जैसे हमने साइन 30 की वैल्यू निकाली थी, साइन 90 की वैल्यू निकाली थी, उन्हीं के बेस पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको बिना मेजर किए ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से आज हम उसको उसकी हाइट निकालेंगे, उनके बीच में एंगल्स क्या हैं उसके बेस पर हम उनके हाइट को मेजर करेंगे और डिस्टेंस को मेजर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट किसको कहते हैं? जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो हमारी आंखों से उस ऑब्जेक्ट तक जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। जैसे यहाँ देखो, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई, आई से एक लाइन ड्रॉ हो रही है कहाँ तक? ऑब्जर्वर की आई से एक लाइन ड्रॉ हो रही है ऑब्जेक्ट तक, तो उसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ साइट। द लाइन ड्रॉ फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, तो ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये आई है, ठीक है, ये आई है और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फिर, तो यहाँ से इस ऑब्जेक्ट तक जो स्ट्रेट लाइन है, जो लाइन जा रही है, उस लाइन को नाम देते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हिंदी में उन्नयन कोण भी कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर ऊपर की साइड करना पड़े, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारी आंखों से ऊपर की साइड हो, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर लाइन ऑफ साइट बनती है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से देखो, व्हेन वी राइज अवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब हम अपना हेड किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऊपर की साइड करते हैं, देन एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट के द्वारा एक एंगल बनता है विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, तो उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हमें किसी चीज को या किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपना सर ऊपर करना पड़े या फिर अपनी आंखों से उस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है या फिर उसका जो हाइट है वो ऊपर के साइड हो, तो उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ से देखो, यहाँ पर हमारी आई है और ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पी यहाँ पर, जब हम यहाँ से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो लाइन ऑफ साइट बनती है, तो इसको हम नाम देंगे, यहाँ जो एंगल बनेगा उसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ इलेवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ डिप्रीजन। एंगल ऑफ डिप्रीजन को अवनमन कोण कहते हैं। अवनमन कोण या एंगल ऑफ डिप्रीजन क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखते हैं, मतलब वो हमारी आंखों से नीचे की साइड हो, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की साइड हो, तो उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप्रीजन। यहाँ से देखो, द एंगल ऑफ डिप्रीजन ऑफ अ पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो लेफ्ट टू राइट जाती है, ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो ऊपर से नीचे की तरफ अप से डाउन की तरफ आती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे की तरफ यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, वो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को इधर देख रहा है, ऑब्जेक्ट का है यहाँ पर, तो किसी ऑब्जेक्ट को जब आई से नीचे की तरफ देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तो उसको हम नाम देते हैं, यहाँ जो एंगल बनेगा वो होगा एंगल ऑफ डिप्रीजन। इसको अवनमन कोण भी कहते हैं। जब हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ एंगल बन रहा है आई और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो उसको नाम देते हैं एंगल ऑफ डिप्रीजन। यहाँ से देखो, यहाँ से हमें एक टर्म दे रखी है, एन एलिवेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द टॉप ऑफ अ हिल इज थीटा। एक टावर के टॉप से हिल के टॉप तक एक लाइन है और वहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा, और वो एंगल क्या है? इलेवेशन एंगल है। इलेवेशन एंगल क्या होता है कि वो नीचे की साइड बनता है इधर, ठीक है,
हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर बनता है, जिसको देखने के लिए हमें अपना हेड ऊपर की तरफ करना पड़े, उसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। अब यहाँ से देखो, इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें हाइट बतानी है कि हाइट किसकी कम होगी। यहाँ से देखो, जब एलिवेशन एंगल टावर के टॉप से कोई हिल है, पहाड़ी है, उसके टॉप तक बन रहा है, इसका मतलब क्या है, ये हाइट इस हाइट से कम है। क्यों कम है? क्योंकि जब आप इलेवेशन एंगल बनाते हो तो वो इस तरह से बनता है। अगर आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता तो वो यहाँ से बनता, और इस कंडीशन में क्या होता कि ये इधर एंगल बन जाता, यहाँ से एंगल बन जाता, लेकिन आपको दे रखा है एलिवेशन एंगल। एलिवेशन एंगल किस तरह बनेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, जो टावर की हाइट है, हाइट ऑफ टावर ये क्या होगी, ये कम हो जाएगी, और हाइट ऑफ हिल ज्यादा हो जाएगी। आपको इसमें यही समझना था कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखा हो, आपको एंगल ऑफ इलेवेशन दे रखा हो या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा हो, तो आप हाइट को कैसे मेजर करोगे। आपको यहाँ से समझ में आया कि टावर की हाइट हिल की हाइट से कम होगी, क्योंकि टावर के टॉप से हिल के टॉप पर एलिवेशन एंगल बन रहा है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक ग्राउंड है और एक टावर है, तो ग्राउंड में एक पॉइंट लिया हमने सी, ठीक है, ये सी क्या है, पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड। अब यहाँ से एक टावर की डिस्टेंस है, एक टावर है यहाँ पे बी पॉइंट पर, ठीक है, सी पॉइंट पर, ये सी पॉइंट जो है वो ग्राउंड का पॉइंट है और बी पॉइंट है वो टावर का है, तो इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस दे रखी है 10√3 मीटर, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस दे रखी है। टावर और ग्राउंड का कोई एक पॉइंट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 10√3, ठीक है, और उस टावर की हाइट हमें पता नहीं है, उस वो टावर कितने हाइट का है ये हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ग्राउंड के पॉइंट से टावर के टॉप पर एलिवेशन एंगल बन रहा है, तो एलिवेशन एंगल किस तरह बनेगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टावर का टॉप, और ये क्या है, एक ग्राउंड का कोई पॉइंट है, तो यहाँ से एलिवेशन एंगल यहाँ बन जाएगा 60, जो हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें टावर की हाइट में बतानी है कि टावर की हाइट क्या होगी, तो यहाँ देखो ये क्या है, थीटा है, कोई भी एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है, एंगल जिसपे बन रहा है वो क्या है, बेस, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस, और इस परपेंडिकुलर के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस और बेस। यहां से हमने साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट की वैल्यू निकाली थी, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ से हाइट निकालेंगे टावर की। यहाँ देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें एंगल गिवन है और बेस गिवन है। बेस से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर बेस कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ पे मतलब कॉस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एक टेन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है, वो क्या है, परपेंडिकुलर में है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पी अपॉन बी, जो क्या है, टेन का। तो यहाँ से टेन थीटा, थीटा हमने क्या लिया है, 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, हमें लेना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ये ए से बी तक, ए बी अपॉन बेस क्या है, 10√3, बेस क्या है, 10√3। अब यहाँ आओ, हमने प्रीवियस क्लास में इनकी वैल्यूज निकाली थी, टेन की, कॉट की, सेक की, तो यहाँ से हमने टेन 60 की वैल्यू क्या ली थी, हमने टेन 60 की वैल्यू ली थी √3। टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं याद है तो आप एक बार वापस से वो टेबल रिवाइज करना, जिसमें साइन की, कॉस की, टेन की, इन सारे 6 फंक्शंस की वैल्यू निकाल रखी है, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, तो यहाँ से टेन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3, ठीक है। ये ए बी क्या है, ये ए बी हाइट है, हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, यहां से आओ, ये क्या है, ए बी, ठीक,
हो जाएगा मल्टीप्लाई में, रूट थ्री मल्टीप्लाई टेन रूट थ्री। ठीक है, यहां से क्या निकालना है हमको, ए बी निकालनी है, टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। यहां देखो रूट थ्री और रूट थ्री, जब रूट थ्री और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री आता है, तो यहां से ये क्या बन गया, थ्री मल्टीप्लाई टेन। ठीक है, क्या आ जाएगा, 30 मीटर। हमें वैल्यू किसमें दे रखी थी, मीटर में दे रखी है यहाँ पे, तो यहाँ से हाइट भी क्या हो जाएगी, मीटर में आ जाएगी। तो AB की वैल्यू क्या आई, 30 मीटर। यहाँ से हाइट ऑफ अ टावर क्या आ गया, 30 मीटर। इस तरह हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दे रखा है, द शेडो ऑफ 1 मीटर टॉल स्टूडेंट ऑन अ लेवल ग्राउंड इन फाउंड टू बी 1 मीटर। कोई एक स्टूडेंट खड़ा हुआ है, ठीक है, उसकी हाइट है 1.5 मीटर, उसकी हाइट दे रखी है 1.5 मीटर, वो ग्राउंड पर खड़ा है, तो उसकी जो शेडो बन रही है, उसकी छाया बन रही है वो 1 मीटर की है। ठीक है, उसकी छाया बन रही है वो क्या है, 1 मीटर की है। फिर आगे बोला गया है, एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पर शेडो ऑफ अ टावर, एक ग्राउंड पर एक टावर खड़ा हुआ है जिसकी हमें हाइट नहीं पता और उसकी हाइट बन रही है 5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें टावर की हाइट निकालनी है, तो इस क्वेश्चन में हमें थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें सिर्फ ये बता रखा है एक स्टूडेंट है, इसकी हाइट 1.5 मीटर है और उसकी जो शेडो बन रही है वो 1 मीटर की है। ठीक है, और एक टावर दे रखा है सेम उसी टाइम पर, उस टावर की शेडो 5 मीटर की बन रही है, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है टावर की हाइट। यहाँ से देखो हमें हाइट गिवन है और ये बेस हमें दे रखा है 1 मीटर, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर साइड होती है। हमें परपेंडिकुलर भी पता है और हमें बेस भी पता है, तो हम किसका यूज करेंगे, टेन थीटा का हम यूज करेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, ए बी अपॉन बेस क्या है, सी बी। ठीक है, ये क्या हो गया, ए बी अपॉन सी बी। परपेंडिकुलर की क्या है, 1.5 मीटर और बेस क्या है, 1 मीटर। ठीक है, ये क्या है, 10 थीटा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड करोगे वापस क्या आया, 1.5 मीटर। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से 10 थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 10 थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी क्या है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है, थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी अपॉन, ये क्या है, ये नेक्स्ट वाला है, बेस क्या दे रखा है इसमें, 5 मीटर। ठीक है, यहां से देखो 10 थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1.5 मीटर पहले वाले क्वेश्चन से, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 10 थीटा की जगह 1.5 मीटर इज इक्वल्स टू, हमें क्या निकालनी है, टावर की हाइट, तो ए बी यहाँ पुट कर देंगे, ए बी अपॉन 5 मीटर। ध्यान से देखो हमने इसमें क्या किया, पहले तो हमने ये वाली यहाँ तक निकाल ली इस वाले के लिए। ठीक है, यहाँ से हमारी वैल्यू आई 10 थीटा इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। ठीक है, अब हमने ये सेकेंड वाला लिया है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पर टावर की हाइट हमने मान ली, कि टावर की हाइट हमने मान ली एच है। ठीक है, और हमें उसकी शेडो दे रखी है 5 मीटर, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसमें भी 10 थीटा का यूज करेंगे। 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमें हाइट पता नहीं है तो हमने ए बी लिख दिया, बेस क्या है 5 मीटर, उसकी शेडो जो बनी थी उसको हम क्या ले रहे हैं, बेस ले रहे हैं। अब 10 थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या थी, जो हमने इक्वेशन फर्स्ट ली है, यहाँ से वैल्यू क्या है इसकी, 1.5 मीटर। अब हमें यहाँ से डायरेक्ट ए बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर मल्टीप्लाई 5 मीटर। ठीक है, हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, ए बी इज इक्वल टू 1.5 मीटर इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगी 7.5 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू क्या आ गई, 7.5 मीटर। टावर की हाइट आ गई हमारे पास 7.5 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व हो गया। ट्रिग्नोमेट्री से हमने इनके वैल्यू निकाली, हाइट निकाल रहे हैं, कभी बेस निकाल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देयर इज ए स्मॉल आइलैंड इन 100 मीटर ब्रॉड रिवर। एक आइलैंड है जिस पर 100 मीटर एक रिवर है, रिवर की लेंथ रखी है 100 मीटर। एंड देयर इज ए टॉल ट्री ऑन दिस आइलैंड, और इस आइलैंड पर एक ट्री है जिसको हमने लिया है ओए। ओए हमने लिया है कि एक वो ट्री है जो आइलैंड पर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि पी एंड क्यू लाई ऑन अपोजिट बैंक्स ऑफ रिवर सच दैट पी क्यू एंड ट्री आर इन सेम लाइन। ये क्या है, पी और क्यू दो पॉइंट है रिवर के, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि पी क्यू और ये ट्री तीनों एक ही लाइन पर है और इसकी लेंथ रखी है हमें 100 मीटर। आगे क्वेश्चन में बोला है इफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी एंड क्यू एट टॉप ऑफ द ट्री आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री देन फाइंड हाइट ऑफ द ट्री। और ये बोला है कि जब पी से ये कोई ट्री है इसके टॉप पर एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और इस क्यू पॉइंट से इस ट्री के टॉप पर एलिवेशन एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, तो आपको बताना है कि यहाँ पर ट्री की हाइट क्या होगी। हमें पूछा है कि ट्री की हाइट क्या होगी, तो यहाँ से देखो ये क्या है, बेस है। अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ इसकी बात करें, तो थीटा के सामने वाली, थीटा के सामने वाली क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो हमने यहाँ पे लिया टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसके सामने क्या है ये ए ओ अपॉन बेस क्या है पी ओ, ठीक है। बेस क्या है इसका पी ओ, हमने यहां तक इसको ले लिया। तो आप देखो टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1/√3 इज इक्वल टू ए ओ अपॉन पी ओ, ठीक है। ये ए ओ क्या है, ये हाइट है, तो यहाँ पे आप एच भी पुट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे, एच। यहाँ से पी ओ की वैल्यू क्या आई, इस पी ओ की वैल्यू क्या आई, यहाँ से वैल्यू आ गई, ये ऊपर की साइड चला जाएगा √3, इसको यही छोड़ दो एक बार, ठीक है। अब इधर देखो, अगर आप ये वाला एंगल लेते हो, अगर आप ये वाला एंगल लेते हो, तो इसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस ओ क्यू, ठीक है। तो यहाँ से देखो टेन 45 डिग्री, यहाँ पे क्या है 45 दे रखा है, तो हमने क्या लिया है टेन 45 डिग्री, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमें क्या दे रखी है हाइट एच अपॉन बेस क्या है इसका ओ क्यू। टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, इज इक्वल्स टू एच अपॉन ओ क्यू। यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू आ गई 1/√3, ओ की वैल्यू आ गई यहाँ पे एच, ऑनली एच, ठीक है, ये आ गई, ठीक। पी ओ की वैल्यू आ गई √3 और ओ क्यू की वैल्यू आ गई एच। अब यहां से देखो ये पी से लेके क्यू तक, पी से क्यू तक पी क्यू, ठीक है। ये पी क्यू क्या है, पी ओ प्लस ओ क्यू, ओ क्यू यही तो है। ये पी क्यू क्या दे रखा है हमें 100 मीटर, 100 मीटर इज इक्वल्स टू पी ओ, पी ओ की वैल्यू क्या है, पी ओ की वैल्यू आई थी एच √3 प्लस ओ क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई एच। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे, 100 मीटर इज इक्वल्स टू एच √3 प्लस एच, ये क्या आ गई, ये हमारी हाइट यहाँ से निकलेगी। इसको हम किस तरह निकालेंगे, यहाँ पे क्या है एच और एच कॉमन है, 100 मीटर इज इक्वल्स टू एच कॉमन ले लिया √3 + 1। यहाँ देखो एच हमने कॉमन ले लिया, तो एच क्या है, ये बाहर की साइड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल एच है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, आपको एच की वैल्यू तो निकालनी है, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 मीटर अपॉन √3 + 1, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एच इज इक्वल टू 100 मीटर अपॉन √3 + 1, ठीक है। यहां तक आ गई, अब नेक्स्ट यहां से देखो, हमने यहां तक किया था एच इज इक्वल टू 100 मीटर अपॉन √3 + 1, इसको यहां लिख दो 100 मीटर अपॉन √3 + 1, ये किसकी वैल्यू है एच की, ठीक है। अब यहां से इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे √3 - 1 / √3 - 1,
रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में जो वैल्यू है क्या है, रूट थ्री प्लस वन, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या है, रूट थ्री माइनस वन, तो इससे ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से देखो ये क्यों करवा रहे हैं, ताकि ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए। अभी देखना कैसे इक्वेशन सॉल्व होती है। 100 को 3 से मल्टीप्लाई, रूट 3 से मल्टीप्लाई किया 100 रूट 3 माइनस 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 अपॉन, यहां से देखो ये क्या है, रूट 3 प्लस 1 और इधर क्या दे रखा है, रूट 3 माइनस 1, तो a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा होगा कि a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी करने पर क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहाँ पे वैल्यू बनती है। तो यहाँ देखो ये क्या है, ए की जगह आपने क्या लिया है, रूट थ्री, बी क्या है, वन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ए रूट थ्री है और बी क्या है, वन है, तो यहाँ से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर रूट थ्री का, रूट थ्री का स्क्वायर क्या आता है, थ्री, थ्री लिख दिया, बी क्या है, वन है, वन का स्क्वायर क्या आता है, वन ही आता है, तो थ्री माइनस वन, हंड्रेड रूट थ्री माइनस हंड्रेड अपॉन टू, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहां से देखो जब आप हंड्रेड रूट थ्री में से हंड्रेड माइनस करते हो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से जब आप इनको सॉल्व करोगे, यहां से या तो डायरेक्ट करवा दो, टू से डिवाइड किया 50 रूट थ्री माइनस 50, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे रूट थ्री की वैल्यू क्या आती है 1.73, ठीक है, रूट की वैल्यू आती है 1.73, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो 36.6 ऐसे कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 36.6। ये क्या दे रखा था हमें, मीटर में दे रखा था, तो इसकी हाइट क्या आ गई हमारे पास 36.6 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो गया। आपको बस कुछ कुछ बातें याद रखनी है कि इलिवेशन कौन एंगल कैसे बनता है, डिफ्रेशन एंगल कैसे बनता है, किस तरह आप बेस निकालते हो, हाइट किस तरह निकालते हो, बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दे रखा है, अ कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एक कार है जो स्ट्रेट रोड पर चल रही है, विच गोज टूवर्ड्स अ टावर, जो एक टावर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर, एक कार है यहाँ पे, ठीक है, और एक टावर है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है 500 मीटर, तो कार ड्राइवर ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से इस पॉइंट से जो टावर है उसके टॉप पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक है, यहाँ पर एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, और कौन सा एंगल है, ये इलेवेशन एंगल, यहाँ पर ये ओनियन कोण बन गया। अब उसने ऑब्जर्व किया कि 10 सेकंड बाद में, 10 सेकंड बाद में यहाँ पर पहुंच गया वो, और यहाँ से जब उसने देखा कि टावर के टॉप से उसकी कार तक एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है, तो यहाँ दो एंगल हो गए, जब उसने यहाँ से मेजर किया तो 30 डिग्री था और जब यहाँ से मेजर किया तो 60 डिग्री था, ठीक है। अब उसको ये पता लगाना है कि टावर की हाइट क्या है, टावर की हाइट क्या है, और उसने 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। हमारा क्वेश्चन क्या है, अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विच गोज टूवर्ड्स अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम टावर, ड्राइवर ऑफ कार ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री, अप टू 10 सेकंड कार इज मूविंग टूवर्ड्स टावर, देन ही ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर बिकम 60 डिग्री, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, हमें कार की स्पीड पता करनी है और उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, ये हाइट क्या बनी है, ये सब हम मेजर करेंगे। यहाँ से देखो इस तरह से हमारा डायग्राम बन रहा है, और यहाँ देखो हाइट ऑफ अ टावर, इस टावर की हाइट क्या है, एच मीटर, टोटल डिस्टेंस हमें दे रखी है 500 मीटर, तो यहाँ से जब वो 10 सेकंड में चला यहाँ तक तो ये लेंथ हमने ली है एक्स मीटर, यहाँ से हमने ये लेंथ ली है एक्स मीटर,
जब इसके बाद वो चला, यहाँ से डीसी की वैल्यू आ गई, ये क्या है, डीसी की वैल्यू है, और सीबी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ में से एक्स माइनस कर दो, क्या आ जाएगी 500 माइनस एक्स मीटर। अब हमें क्या निकालना है, अब हम यहाँ से हाइट निकालेंगे, यहाँ से हम हाइट निकालेंगे। फॉर्मूला यूज किया हमने, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू थीटा के सामने वाली साइड, इसको अभी छोड़ दो, 60 डिग्री का एंगल छोड़ दो, थीटा के सामने वाली साइड क्या है, ये टावर की हाइट ए बी अपॉन बेस क्या है, डी बी, डी बी इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, एच, डी से लेके बी तक की वैल्यू क्या है, 500 मीटर, ठीक है। और यहां से आपको क्या देखना है, यहां से आपको देखना है कि 10 30, ये क्या है, 10 30, 10 30 की हमने वैल्यू क्या ली थी, 10 30 की हमने वैल्यू ली थी 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 500 मीटर। यहां से डायरेक्ट हम एच की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी, जब एच यहाँ पे है, ये 500 मीटर क्या आ जाएगा, ऊपर की साइड, तो 500/√3 मीटर, यहां से ये हाइट आ गई, ठीक है। ये हमने हाइट मेजर कर ली कि 500/√3 इसकी हाइट है। इस क्वेश्चन को अभी एक बार यहीं तक छोड़ दो, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम आगे की प्रोसेस कैसे करेंगे, ये देखो, अब यहाँ क्या बन रहा है, 10 60, यहाँ क्या बन रहा है, 10 60 डिग्री, ठीक। थीटा के सामने वाली हाइपोटेनस एबी, एबी अपॉन इसकी हाइट क्या है, सी बी, इसकी तो हाइट ऑनली ये है, यहां से यहां तक की हाइट थी 500, लेकिन इसकी हाइट हमने यहां से क्या निकाली, 500 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, सी बी, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, सी बी। यहाँ देखो 10 60 की वैल्यू क्या है, √3 इज इक्वल टू, ये 10 60 साइन 60 जो भी हम वैल्यू यूज कर रहे हैं, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मिली है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ए बी की वैल्यू क्या है, एच, सी बी की वैल्यू क्या है, 500 माइनस एक्स, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई, 500 माइनस एक्स, और ये जब इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा √3, तो हमारे पास एच की दो वैल्यू आई, एच की हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक तो 500/√3, एक तो आई है हमारे पास 500/√3, और एक आई है 500 माइनस एक्स मल्टीप्लाई √3, तो इन दोनों इक्वेशन से हमें एच की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से देखो, हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख देंगे, यहाँ देखो 500/√3 इज इक्वल टू 500 माइनस एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई √3, यहाँ क्या है 500 इज इक्वल टू, ये √3 इस साइड जाएगा तो किसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 500 माइनस एक्स मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 3, तो आप यहाँ डायरेक्ट पुट कर सकते हो 3, ठीक है। 500 इज इक्वल टू, 500 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 1500 माइनस 3x, ये वैल्यू आ गई यहाँ से। अब आगे आप क्या करोगे, 1500, इस 1500 में से जब इस 500 को इस साइड लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू, ये माइनस 3x है, इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 3x हो जाएगा। तो 1500 में से 500 गए, कितने बचे, 1000 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू क्या आई, 1000/3, यहां से हमारी वैल्यू आई x की कि 1000/3, इसको यही पुट कर, यही रहने दो एक बार, ये क्या है, ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, तो आप यहां x की जगह लिख दो 1000/3। अब आगे का क्वेश्चन हमें किस तरह करना है, इन सबको रफ कर देंगे, आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, आगे हमें निकालने हैं कि किस स्पीड से गया, टाइम क्या था 10 सेकंड, डिस्टेंस हमने निकाल रहे 1000/3, अब हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला हम किस तरह निकालते हैं, तो यहां से देखो हमें टाइम गिवन है 10 सेकंड, ठीक है, हमें डिस्टेंस गिवन है 1000/3 मीटर, तो यहां से आप फॉर्मूला यूज करोगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आपको क्या निकालनी है, आपको स्पीड निकालनी है। तो यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1000 अपॉन 3। टाइम क्या दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड, टाइम आपको दे रखा है 10 सेकेंड। तो 1000 अपॉन 3 ये क्या है अपॉन में, जब ये इसको आप तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 10 ऊपर जाएगा तो इस तरह आएगा 1/10, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये 10/1 की फॉर्म में है। जब आप इसको मल्टीप्लाई में लोगे तो इसका अपोजिट हो जाएगा 1/10। तो 10 से 10 कैंसिल, क्या आया 100/3। लेकिन यहाँ देखो आप, ये 10 क्या था, ये सेकंड में था, तो आप इसको मिनट में किस तरह चेंज करोगे, मल्टीप्लाई 60 अपॉन में क्या करोगे, ऊपर तो क्या है डिस्टेंस, नीचे क्या है टाइम, तो टाइम क्या था सेकंड में था, आपको इसको मिनट में चेंज करना है, क्योंकि आप नहीं बता सकते ऐसे कि मिनट में कैसा आएगा। मिनट में चेंज करने के लिए आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे क्या आया 10/18। ये क्या है, ये वैल्यू है मीटर पर, यहां से देखो 10/18 आ गया। अभी भी ये क्या है, ये 10 जो है ये मीटर में है, आपको डायरेक्ट निकालिए किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में करने के लिए आप यहाँ से किस तरह इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप करोगे 18/5 से। ये 18/5 कहाँ से आया अभी बताते हैं, पहले इसको सॉल्व करो, 18 से 18 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, इसकी स्पीड आ गई 2 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है हमारे पास स्पीड। अच्छा, हमने 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, हमने 18/5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, यहां से देखो, जब आप किसी कोई नंबर है आपके पास वो सेकंड में है, कोई आपको डिजिट दे रखी है वो सेकंड में, आपको उसको मिनट में या आवर में चेंज करनी है, ये सेकंड है, आवर में चेंज करने के लिए आप इसका क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 60 मल्टीप्लाई 60, एक बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो मिनट में चेंज हो जाएगा, दूसरी बार 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप उसको तो वो चेंज होगा आवर में। तो यहाँ से 60 मल्टीप्लाई 60 क्या हो जाएगा आवर। आप कोई मीटर में है, मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हो, मीटर को आप किलोमीटर में चेंज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, पहले आप मल्टीप्लाई करोगे उसको 1000 से, किससे मल्टीप्लाई करोगे 1000 से। तो यहाँ देखो ये 18/5, ये 18/5 कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36/1000, 00 से 00 कैंसिल, 2 के टेबल से कट करो 18 और यहाँ पे क्या आया 5। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पुट कर दिया 18/5। पहले हमारी वैल्यू हमें दे रखी थी डिस्टेंस तो मीटर में दे रखी थी, और हमें टाइम दे रखा था सेकंड में, उस मीटर पर सेकंड को हमने चेंज किया है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में हमने इस तरह से इसको चेंज किया। यहाँ हमने 1 मिनट में चेंज किया, फिर हमने 18/5 से मल्टीप्लाई करवा के इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज किया, तो इस कार की स्पीड क्या आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 2 किलोमीटर चलने के लिए वो 1 घंटे का टाइम लेगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी आज की क्लास, अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू।